अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, सलमा ने पहले तो वो वीडियो डाली जिसके अंदर उसने बताई कि बच्ची गुम गई, जो कि बहुत बड़ा गुनाह था। उसको वो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। और फिर उसने कल एक और वीडियो डाली जिसके ऊपर मैं आज रिएक्शन दे रही हूँ। तो सलमा की सबसे पहली इसके अंदर एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसने है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हुए पूरा वीडियो बना के एंड में बैठ के भाषण नहीं दी। उसने शुरू में ही अपनी बात को क्लियर कर ली, उसके बाद में पूरा ब्लॉग बनाई। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सी है कि पॉजिटिव चीज़ को थोड़ा सी इग्नोर करके ना नेगेटिव चीज़ को जल्दी से पकड़ा जाता है। और हाँ, जाहिर सी बात है, नेगेटिव ना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना इंसान को। तो अब सलमा ने क्या क्या बोली है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो सलमा ने ये बोली कि मेरा बहुत दिल दुखा है, आप सबके कमेंट आए कि आपने कैमरा कैसे उठा लिया, आपको फिक्र नहीं थी। और जो भी मतलब बातें हुई है, जाहिर सी बातें हमारे भी पैनल पे हुई है, हर जगह पे हुई है, चाहे कोई भी हो, हेट करने वाला हो या न्यूट्रल बंदा हो या कोई भी हो, हर किसी ने ये बात की है। सपोर्टर इसके लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सलमा का कोई भी सपोर्टर है नहीं, तो सपोर्टरों को कैसे गिनूंगी मैं, है ना। तो सपोर्टर तो कोई है नहीं, न्यूट्रल है लोग या तो फिर हेटर है सलमा के। तो हर जगह पे ये सारी बातें हुई थी जिसको लेके सलमा ने अपनी फीलिंग जताई। सलमा ने ये जो लफ्ज़ बोली है ना कि मेरा दिल दुखा है, उसने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बोली है जो उससे प्यार करते हैं। फिर सलमा ने ये भी बताई कि वहाँ पे बच्चे गुम होते रहते हैं, हमें आदत है, मुझे दिल से पता ही था कि हाँ कहीं ना कहीं से मतलब यहाँ पे बच्चे मिल भी बहुत आसानी से जाते हैं। और ये मेरी पहली बच्ची नहीं थी जो गुम हुई थी, मेरे सब बच्चे गुम हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, वो जगह ही ऐसी है, इतना बड़ा मतलब प्लेस है और इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे भीड़ रहती है और हमेशा सलमा का आना जाना है। तो ये बात जो हुई है ना, YT पे लोग बोल रहे हैं कि इसको इतना सेंस नहीं है, इसने अपने बच्चे हमेशा घुमाती रही है, बच्चों का ध्यान नहीं दिए। तो भाई तुम लोग जाओ वहाँ पे रहो और रो जाना, आप लोग वहाँ पे जाना मस्जिद नबी में, अगर आप लोगों से ना घूमे तो फिर, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि पहले खुद है ना मीठे से परहेज करो, बाद में दूसरों को बोलना कि गुड़ मत खाओ, वो बात है, पहले खुद के ऊपर वो चीज़ लागू करो, उसके बाद में किसी और के ऊपर बात करो। तो इस चीज़ को लेके भी बात हुई है कि इसने अपने बच्चे घुमा दिए, इसके अंदर तो सेंस नहीं है, ये तो एक अच्छी माँ नहीं है, इसके पास में मतलब इतना ये नहीं है कि ये देखो, अब उसने अपनी अम्मी के पास में बच्चा छोड़ी थी, अपने हाथ से तो उसने बच्चे की उंगली नहीं छोड़ दी कि चलो जाओ घूम जाओ, अम्मी के पास में छोड़ी थी और अम्मी का ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, बच्ची निकल गई। और सलमा प्रिपेयर थी दिमाग से कि हाँ बच्ची मिल जाएंगी, इसके लिए उसने ज़्यादा इस चीज़ को इशू नहीं बनाई। अब यहीं पे अगर एक पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊं, तो चाहती तो सलमा इशू बना सकती थी, सलमा उतनी क्लिप ना बना के बाद में एक ये बनाती बैठ के रिएक्शन की तरह, और उसमें वो रोना धोना करती, वो सिंपति लेती, बहुत अच्छा मौका था सलमा के पास। लेकिन सलमा ने वो सब नहीं करते हुए जो नेचुरल था, जो रियल था, वो दिखाई। बस इसके ऊपर ही है ना लोगों को मतलब हजम नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं पसंद आई, जिसको लेके सलमा ने बताई भी कि ये होते रहता है और मैं प्रिपेयर थी, हमें आदत है और बच्चे मिल भी जाते हैं। और उसने ये भी बताई कि हाँ असगर भाई ने भी देखा ना आप लोगों ने, कि उन्होंने भी यही बोला कि बच्ची मिल जाती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड भी है, बहुत सारे कैमरेज लगे हुए, और आप लोग सोचो सलमा इतने साल से रह रही है तो कोई ना कोई गार्ड से भी दोस्ती होगी, वहाँ पे किसी ना किसी से तो दोस्ती होगी ना। जब हम कहीं पे जाते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम कहीं पे एक ही जगह पे बार बार जा रहे हैं घूमने के लिए, या रेस्टोरेंट हो गया या होटल हो गई या कुछ भी हो गया, तो फिर वहाँ के हमें लोगों से पहचान हो जाती है ना। तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख के मैंने भी यही बात बोली थी कि वो पहले से प्रिपेयर थी। बाकी सलमा ने फिर अपनी नाराज़गी तो खैर उसने नहीं, हाँ उसका दिल दुखा है ये बात उसने बोली, लेकिन ये बात भी सबको नहीं पसंद आई कि भाई क्यों दिल दुखा है, हम तो बोलेंगे, जाहिर सी बात है जो बात अच्छी नहीं लगी वो भी हम बोलेंगे, क्योंकि हम ना ही तो अंधभक्त है, ना ही तो हम सपोर्टर है, ना ही हम खरीदे हुए।
लेकिन अगर उसने अपनी दिल की बात जो सच है वो बता दी तो क्या है इसमें, मतलब के सलमा को चाहिए था कि वो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती लोगों को, और है ना वो मतलब झूठ बोलती, जैसे पिटारा करती है ना, चाटती है, अपनी फीलिंग नहीं बताती है वो, है कभी बताई है उसने कि मेरा दिल दुखा है ये सपोर्टर से, मेरा मुझे खराब लगा ये सपोर्टर का, क्यों नहीं बताती, क्योंकि वो चाटती है। अब सलमा ये अगर नहीं करती है तो मतलब नेचुरल और सच्ची चीजें लोगों को मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे पसंद आती है। और सलमा ने ये भी बोली कि अगर मुझे झूठ बोलना होता तो बहुत सारी चीजें हैं झूठ बोलने की, जैसे कि लोगों ने बोले कि तुमने मस्जिद नबी को कंटेंट क्यों बनाया, अगर के देखो बच्चा मस्जिद नबी में घुमा है तो वो वहीं का बताएंगी ना, कि वो कहीं और चली जाती कि घुमा कहीं और है, चलो मैं दिखा कहीं और देती हूँ, क्यों, क्योंकि वो मस्जिद नबी है। अरे भाई वहीं पे अगर वो गुम हुई थी तो वहीं का दिखाएंगी। तो ये चीज को लेके सलमा ने बोली कि आप लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि मस्जिद नबी में मैंने ये की तो मैंने कंटेंट बनाई, लोग बोले तुमने झूठ बोला, तुमने कंटेंट बनाया, तो झूठ बोलने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नसीब में जितना है ना उतना ऊपर वाला मुझे दे के ही रहेगा। और यही चीज होती है जो सलमा है ना इस तरह से गंद नहीं करती है। अगर आप लोग पिटारा के थंबनेल चाहिए चेक करो, उसके टाइटल चेक करो, रोज वो कुछ ना कुछ है ना लेकर आती ही आती है। कभी वो बच्चे का लेकर आ जाती है कि बच्चा मेरे घर आ गया, कभी वो नंबर वन बीवी का, तो कभी गुलाम बना देती है हस्बैंड को, तो कभी आके रिएक्शन देने बैठ जाती है, 50 लाख का क्लियर कर रही हूँ, फिर अगले दिन वो मलिका जेड बन के आ जाती है। उसके आप लोग थंबनेल टाइटल चेक करो, जिनको है ना सिर्फ और सिर्फ व्यूज की लालच रहती है, जिनको कंटेंट बनाना होता है ना वो लोग इस तरह के काम करते हैं। आप लोग सलमा का देख लो, यहाँ पे पता है क्या है कि एक बंदे को है ना सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट 100% परफेक्ट रहना चाहिए वो, लेकिन मैं समझती हूँ ना कि 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है। तो अगर चलो एक वीडियो ऐसी आ गई जिसके अंदर उसकी कोई चीजें अपने को लगी, उसके अंदर अगर आप लोग दूसरी तरह से सोचते तो कोई और बात भी निकल सकती थी, लेकिन नहीं, नेगेटिव चीज को हमने ज्यादा ये किए। और हाँ नहीं अच्छी लगी वीडियो, जाहिर सी बात है कि चलो जब आप प्रिपेयर थे ना उसके लिए कि हाँ बच्ची मिल जाएंगी तो फिर वीडियो ही नहीं बनाना चाहिए था, ये बात से मैं एग्री करती हूँ। बाकी उस चीज को लेके इतना ज्यादा मुद्दा बनाना और इतनी ज्यादा बातें करना, मतलब कि हम खुद एक भी चीज नहीं चाहते कि एक भी चीज वहां से ऐसी आ जाए कि फिर हमें ना बोले बैठ के, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये सारा कुछ वाइटी पे चलता है, यही चीजें सलमा ने बोली। और सलमा ने ये भी बोली है कि हम एक फैमिली है, आप लोग मेरे बच्चों से प्यार करते हो, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे प्यार करते हो, तो आप लोग नेगेटिव चीज को थोड़ा सा इग्नोर करके पॉजिटिव चीज सोचना चाहिए था। उसी चीज को लेके सलमा ने ये बोली ना कि मुझे बुरा लगा, तो यही बात मैं भी बोल रही थी कि उसके अंदर मतलब के नेगेटिव चीज को छोड़ के पॉजिटिव चीज को ये कर सकते हैं, और अगर सलमा अपना प्यार जता सकती है तो उसको क्या बुरा लगा, ये क्यों नहीं जता सकती। तो ये चीज भी इसने जताई, बाकी लोगों ने ये सारी बातें भी हुई है, पता नहीं कमेंट में हुई है या पैनल पे हुई है कि अपने बच्चों के लिए कभी भी नहीं आती है, लेकिन देखो इस चीज का जवाब देने के लिए आ गई। तो इसका भी मैं एक बात बताऊं, देखो वो चीज का जवाब देने के लिए क्यों नहीं आती है, क्योंकि मुद्दे उठते, फिर लोग यही तो बात है ना, फिर लोग बोलेंगे कि इसको भी कंटेंट चाहिए, ये भी ड्रामे करती है, तो इसके लिए भी वो नहीं आती है। आएंगी तो बोलेंगे कि इसने शुरू की, इसने जवाब दी, इसने ये की वो की, इग्नोर करना चाहिए, क्या है इन लोग हमारे लिए कोई वर्थ रखते हैं, लोग कोई मायने रखते हैं जो हम इनको आके जवाब दें, ऐसी चीजों के ऊपर बातें कौन उठाता है, जो सलमा के हेटर है वही लोग उठाते हैं ना। और जब असगर भाई बार बार जवाब देने के लिए आ जाते थे तो हम क्या बोलते थे, क्या वो लोग आप लोगों के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप लोग आके उनको जवाब दे रहे हो, और अब जवाब देने अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर बोला जाता है कि जवाब देने क्यों नहीं आते, अपने बच्चों के लिए जवाब देने आओ, अपने इसके लिए आओ, उसके लिए आओ। तो ये सारी बातें होती है, मैं जो वाईटी पे जो चल रहा है ना एक सिस्टम, बस मैं वो बता रही हूँ, मैं किसी के ये नहीं कर रही हूँ कि भाई सलमा को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सलमा ने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर उसने बोल दी थी
कि मुझे जो भी लगेगा ना वो मैं खुद जवाब दूंगी आके। वो दिन है, मैं नहीं समझती कि सलमा के लिए मैं बैठ के डिफेंड करूं या मैं इसको उसके तरफ से जवाब दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मेरी अगर सलमा से बात होगी और मैं उससे पूछूंगी तो मैं जवाब दूंगी ना, जब मेरी अगर उससे बात ही नहीं होती है तो मैं उसके तरफ से जवाब कैसे दे सकती हूँ। हाँ, वीडियो टू वीडियो जो दिखता है उसके ऊपर बात कर लेते, तो यहाँ पे यही बातें, मतलब नेगेटिव चीज को है ना ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, पॉजिटिव चीज को इग्नोर किया जाता है। और रही बात सलमा की, तो भाई मौका ही ढूंढने का रहता है, वो जो हेटर है वो तो मतलब ताक में बैठे रहते हैं, क्योंकि बेचारों को मिलता ही नहीं है ना, मौका ही नहीं देती है सलमा, अपनी नॉर्मल सी ब्लॉगिंग कर रही होती है तो उसमें मौका ही नहीं मिलता है कि कैसे करके ना ये मतलब उनको मौका दे तो फिर उन लोगों के दुकान चले। तो बस मिल गया भाई, मौका मिल गया, उसके ऊपर बातें कर लिए, हमें टोंट किया गया कि लोग तो बात नहीं करेंगे, लोग तो दोगले है ये वो है। तो मुझे पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया सिवाय उस चीज़ के कि क्लिप नहीं बनाना चाहिए था, कि जाओ तुम इधर ढूंढो उधर ढूंढो और फिर बाद में बच्ची मिली, वो वाला जो भी वो छोटा सी क्लिप जो बीच में बना हुआ है ना, बस वो नहीं बना के ना सलमा को चाहिए था कि आके बता देती, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो भी क्लिप बनाना गलत नहीं था, बस मौका नहीं मिलता लोगों को, इसके लिए मैं बोल रही हूँ वो क्लिप भी नहीं बनाना चाहिए था, बस इतना सी है। तो अगर अभी सलमा ने आके अपनी जो भी इसको बुरा लगा है वो जताई या जो भी अच्छा लगा है वो जताई, तो इसको भी थोड़ा सी पॉजिटिव में आप लोग ले सकते हो कि वो प्यार करती है, बुरा किसका लगता है, अपनों का लगता है, उसने जता दी क्या मुझे बुरा लगा, क्या गलत बात है। यहाँ पे मैं सलमा को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। पता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या पिटारा को ही ले लो, बहुत सारी गलतियाँ करती है ना, तो उसके ऊपर इसके सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं तवज्जो देते, बिल्कुल भी बात नहीं करते। यहाँ पे सलमा के लिए एक अगर इसकी गलती हो गई ना, पूरा वाइटी बैठ के बातें करता है, क्योंकि हम इससे उम्मीद रखते हैं कि तू एक भी गलती नहीं करना, तू एक भी गलती नहीं कर सकती, लेकिन वो इंसान है भाई, इंसान गलतियों का पुतला है। तो बस यही था, ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग मेरे से एग्री करते हो नहीं करते मुझे नहीं पता, मुझे जो सही लगा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने दे दी, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।